हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमने देखना स्टार्ट किया है आपके एंथेलमिंटिक ड्रग, और इसी एंथेलमिंटिक ड्रग के अंदर आज हम बात करेंगे एक और नया ड्रग का, और आज का ये ड्रग है एल्बेंडाजोल का। इस एल्बेंडाजोल के अंदर हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, देयर फार्माकोलॉजी, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट, यूज और ड्रग के रेजिमेन के बारे में। इसका पहला ड्रग था मेबेंडाजोल, और जैसा मैंने आपको यहां भी कहा था, मेबेंडाजोल एल्बेंडाजोल दोनों एक ही कंजेनर के एग्जाम्पल है, और दोनों को अगर हम रखना चाहें उनके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंगली तो हम रख सकते हैं बेंज इमिडाजोल के अंदर। एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते रहते हैं कि किसकी एक्टिविटी किसके लिए ज्यादा है और किसकी एक्सेप्टेबिलिटी किस कंडीशन में ज्यादा है। तो यहां भी आपका एल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल की तरह ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एक्टिविटी को पजेस करता हुआ रखता है। कई केस में अगर आप देखेंगे तो मेबेंडाजोल के साथ साथ ये भी एक फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सच काइंड ऑफ वर्म इंफेक्शन में यूज किया जाता है। इनके साथ अच्छी बात यह है एल्बेंडाजोल के साथ कि ये कई बार रिपीटेड तरीके से लिए नहीं जाते हैं। एल्बेंडाजोल एक एडवांटेज शो करता है इसी का मेबेंडाजोल की तुलना में। साथ ही साथ इनकी जो टॉलरेबिलिटी है, यानी कि टॉलरेट करने की एबिलिटी है, जिस किसी ने भी इसको लिया है वो भी अच्छा है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके दिखने वाले साइड इफेक्ट उतने सीवियर नहीं है, कॉमन से कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा डेंजरस इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा। इनका जो क्योर रेट है, इनका जो रिकवरी रेट है, ये भी काफी अच्छा है मेबेंडाजोल की तुलना में। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एडवांटेज रखता है ये सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेशन का एज कंपेयर टू मेबेंडाजोल इन मेनी केस ऑफ इन्फेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, हमने कल जब मेबेंडाजोल के बारे में देखा तो आपने देखा कि मेबेंडाजोल को हम देते हैं उसके 3 वीक बाद, लगभग उसके जब लार्वा, उसके जो हैचिंग प्रोसेस है वह कंप्लीट होता है, उसके बाद जब वो लार्वा से जो निकलते हैं बड़े बड़े जो वर्म बनने लग जाते हैं, उस केस को खत्म करने के लिए 3 हफ्ते बाद हमको ड्रग को दोबारा देना पड़ता था। यहां पे उसकी संभावना कुछ केस में कम है, अगर हम सिंगल डोज भी देते हैं तो वो भी पूरी तरह से इसके इन्फेक्शन को खत्म करने में कैपेबल है। कुछ केस की अगर करें तो हमको दोबारा इसको देना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस जैसा कल के केस में बात किया, यहां पे सिंगल डोज इफेक्टिव है। वन डोज ट्रीटमेंट इन, जैसा मैं कह रहा हूं आपको कि कौन कौन से केस में वन डोज इनका इफेक्टिव है, तो ये है आपका एस्केरिस, हुकवर्म और एंट्रोबियासिस। ये जो 3 कंडीशंस हैं इनके लिए सिंगल डोज ऑफ एल्बेंडाजोल इज मच इफेक्टिव। अगर आपने बच्चों में देखा होगा कुछ ऐसे, जब उनके स्टूल पास आउट होते हैं तो उनमें क्रीमी दिखने को मिलती है जिसे हम वर्म कहते हैं, उस केस में भी एल्बेंडाजोल को प्रिफर किया जाता है। बच्चों, कहने का मतलब 2 साल से ऊपर वालों के लिए हम फुल डोज देते हैं एज कंपेयर टू एडल्ट डोज के तुलना में ही बराबर होगा उनका, लेकिन जो 2 साल से नीचे होंगे उनको हाफ ड्रग में इस तरह से देते हैं। तो एल्बेंडाजोल काफी जगह यूज किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा सप्लाई भी किए जाते हैं, आगे आने वाले समय हम देखेंगे फाइलेरियासिस को कंट्रोल करने के लिए और इस तरह की क्रीमी को कंट्रोल करने के लिए भी एल्बेंडाजोल को यूज करते हैं। इसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट है, हालांकि कई मायनों में ये मेबेंडाजोल से अच्छा है, कुछ केस में उससे थोड़ा सा 19 पड़ता है। ये देखिए, मेबेंडाजोल रिक्वायर्ड 3 डेज टू ट्रीट अबव इन्फेक्शन। जिस इन्फेक्शन की हम बात कर रहे हैं, इसी इन्फेक्शन को, अबव इन्फेक्शन को मेबेंडाजोल 3 डोज या 3 डेज के ट्रीटमेंट के लिए लगता है, जबकि हमारा आज का एल्बेंडाजोल सिंगल डोज में कन्वर्ट करता है, रिजल्ट इन ट्राइक्यूरियासिस इन इंफेरियर टू मेबेंडाजोल। जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये कहता है कि इनका जो एक्शन है, किसके स्पेसिफिकली, ट्राइक्यूरियासिस के करेस्पॉन्डिंगली, तो अगर इनका जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा इंफीरियर बैठता है आपके मेबेंडाजोल का। तो इसका इनडायरेक्ट वर्जन अगर हम बात करें तो मेबेंडाजोल आपके ट्राइक्यूरियासिस के इंफेक्शन में ज्यादा अच्छा इफेक्टिव होता है आज के एल्बेंडाजोल की तुलना में। दोनों में 19-20 का कॉम्पिटिशन तो चल ही रहा है। उसके बाद देखिए, इन स्ट्रॉन्गली लायोसिस इट इज मोर इफेक्टिव देन मेबेंडाजोल। फिर से इस केस में आपका एल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। एक और नोट की बात करते हैं हम, इस नोट के अकॉर्डिंगली अ 3 डेज ट्रीटमेंट, अगर हम 3 दिन का ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो 50% क्योर रेट दिखाएगा, और अगर हम रिपीट करते हैं आफ्टर 3 वीक्स तो ये प्रैक्टिकली अगर बात करें एक एक्सपेरिमेंटल के अकॉर्डिंगली, डाटा कलेक्शन के अकॉर्डिंगली, तो ये सभी पेशेंट में लगभग पूरा रिस्पॉन्स देता है हमारा एल्बेंडाजोल इस स्ट्रॉन्गली लोइडोसिस के केस में। तो ये हमारा एल्बेंडाजोल का काम करने का तरीका हुआ। फिर हम बात करते हैं, देखिए 3 डेज ट्रीटमेंट इज नेसेसरी फॉर, अगर हम यहां पे कंपेयर करें आपके इस तरह के एस्केरियासिस, हुकवर्म, एंटेरोबियासिस की तुलना में जो सिंगल डोज में ठीक होते हैं, ये कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहां पे इनको भी 3 डेज के ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी, और ये कंडीशंस हैं आपके टैपवर्म इंफेक्शन और उसके साथ साथ में एच नाना का। यहां पे कंपेटिटिवली हम स्टडी कर रहे हैं क्योंकि लगभग सब कुछ इसका आपका मेबेंडाजोल जैसा ही है, नथिंग इज न्यू, इसको स्किप किया जा सकता था, लेकिन कुछ पॉइंट को कंपेयर करने के लिए हमने आज के लिए ये छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है। आगे बात करें तो एल्बेंडाजोल हैज वीक
माइक्रोफाइलेरोसिडल एक्टिविटी यानी कि फाइलेरिया के लिए भी, लेकिन थोड़ा सा वीक अपना इफेक्टिव इफेक्ट शो कर सकता है। इट इज ऑल्सो इफेक्टिव इन क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेन, जो क्यूटेनियस लार्वा के कारण से माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, इसके लिए भी ये इफेक्टिव है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्पेसिफिकली कंडीशंस अलग अलग हैं। अगर इस तरह से क्यूटेनियस लार्वा का माइग्रेन होगा तो उसको हम जब ड्रग का इंट्रोड्यूस करेंगे आपकी बॉडी में लिया जाएगा तो उसके साथ एक अलग कंडीशन होनी चाहिए, फैटी फूड को लेना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं जनरल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की तो उसके लिए हमको एम्प्टी स्टमक लेना होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है वो डिफरेंशिएशन है डोज के साथ किसके साथ लेना है इस बारे में, जिसको आप लास्ट में देखेंगे ही। आगे बात करते हैं इनके फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल का। तो कुछ पॉइंट यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एमसीक्यू लिए और बाकी सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पहला, एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज्ड व्हेन टेकन विद फैटी मील। अगर हम इन जनरल के बारे में बात करते हैं तो इस तरह के एल्बेंडाजोल के एब्जॉर्प्शन को अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो अगर इनको फैटी मील के साथ दिया जाए तो इनका एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छे से होगा। लेकिन यहां पे एक केस और भी आएगा, आगे आप देखेंगे। तो देखिए, फ्रैक्शन एब्जॉर्ब इज कन्वर्टेड बाय फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जब हम एल्बेंडाजोल को ओरल रूट से लेते हैं तो डेफिनेटली ओरल रूट से लेने के कारण से इनका तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा। जब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा तो इनका कुछ हिस्सा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के कारण से कन्वर्ट होता है सल्फोक्साइड में, और ये जो सल्फोक्साइड बनता है मेटाबोलाइट के रूप में, इट इज अ पोटेंट एंटी एंथेलमेंटिक इफेक्ट या पोटेंट एंथेलमेंटिक इफेक्ट शो करता है, और ये एक मेजर इंपॉर्टेंट एक्शन हो सकता है इसका मेटाबोलाइट होने के बाद। और ये जो है वो एंट्री करते हैं ब्रेन में। इसके बाद देखिए जो साइड इफेक्ट है वो देखिए। साइड इफेक्ट में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बात है कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा टॉलरेटेड वर्ड को लेकर के, दीज आर वेल टॉलरेटेड, ओनली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिलेटेड इफेक्ट आर सीन। जनरली अगर हम बात करते हैं एक कॉमन तरीके से तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, अल्टरेशन, थोड़ा बहुत डायरिया, ये एक देखने को मिलता है। कभी कभी के केस में अगर हम बात करें ऑन लॉन्ग ट्रीटमेंट, लॉन्ग टर्म अगर हम इसको यूज करते हैं तो जाकर के वो हेडेक कॉज कर सकते हैं, फीवर कॉज कर सकते हैं, एलोपेसिया बाल्डनेस कॉज कर सकते हैं, और कुछ के केस में ये जॉइंटिस कॉज कर सकते हैं, लेकिन उतनी संभावना नहीं है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट जिसको मैं कहा आपके एमसीक्यूज के एग्जाम के लिए, सो फॉर इंटेस्टाइनल वर्म, अगर किसी के इंटेस्टाइन में इस तरह के वर्म इंफेक्शन हुए हैं और उनको अगर हमको ठीक करना है तो उस केस में हमको शुड बी गिवन एट एम्प्टी स्टमक, खाली पेट में उनको दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं फॉर हाइडेंटोइड क्यूटेनियस क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेन, तो इस केस में आपको फैटी फूड के साथ इस तरह के एल्बेंडाजोल को दिया जाना चाहिए। तो ये हो गया कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। अब जो मेन पॉइंट आपके जीपैट एग्जाम के लिए है उसका है डोज और इसका यूज, कौन से केस में यूज इसका होगा, किस डोज के रेजिमेंट में होगा, उसको देखना है। तो उसको देखने के लिए हम एक पावर पॉइंट के स्लाइड की इमेज में देखेंगे ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकें, और आगे जाकर के मैं आपको उसका पावर पॉइंट का जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल करा सकूं। पीडीएफ बन सके इसलिए हम उस चीज को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको व्हाइट बोर्ड में अब इंक्लूड नहीं करके इनको प्रेजेंटेशन के फॉर्म में यहां पे इमेज के रूप में आपके लिए अपलोड करते हैं। तो आज का जो टॉपिक था उसका रेफरेंस है केडी त्रिपाठी, कंप्लीटली मैंने उसी को फॉलो किया हुआ है। उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे आप तो उस वाले सेक्शन में जिसमें यूज के बारे में बात करेंगे उसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नमस्कार। अगर हम अपने बेंज इमेडाजोल कैटेगरी के मेबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखना चाहते हैं तो वो बहुत ही सिंपल है, सीधा सीधे तरीके से आप इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो एक कंप्लीट इमेज है। ये इस इमेज में आप देख सकते हैं कि वर्म्स के एंट्री से लेकर के उनके वापस से बाहर निकल करके दूसरे टिश्यू को अफेक्ट करने के प्रोसेस के पूरे दिए हुए हैं आपके ब्लू कलर के एरो में और रेड कलर के एरो में और ब्लैक कलर के पाथवे फ्लो के साथ हम देख सकते हैं कि कैसे हमारा बेंजिमिडाजोल या इसी को बोल सकते हैं मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल कैसे पैरासाइट को किल करते हैं। तो चलिए अब हम इनके जो प्रोसेस है इसको भी एकदम वन टू वन स्टेप बाय स्टेप के फॉर्म में एनिमेशन के रूप में देख लेते हैं। यहाँ पे एक होस्ट सेल है क्योंकि ये जो पैरासाइट है वो सर्वाइव तो करेंगे होस्ट सेल में, इन्हीं को ही आगे जाके डेप्रिवेट कर रहे होंगे और दिक्कत कॉज कर रहे होंगे इनके साथ में। तो ये रहा हमारा होस्ट सेल। इस होस्ट सेल में कोई भी तरह के वर्म्स जिसके बारे में हमने बात किया, चाहे वो पिन वर्म हो, रिंग वर्म हो, टैप वर्म हो या फिर थ्रेड वर्म हो, इस तरह के जो वर्म्स हैं वो एंटर करते हैं डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू, चाहे वो किसी कंटामिनेटेड फूड के पार्टिकल से हो, पानी पीने की वजह से हो, जमीन में गिरी हुई चीज़ों का कंज्यूम करने की वजह से हो, या और आपको जो हमने व्हाइट बोर्ड सेक्शन में फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया उनमें से कोई एक रीज़न हो। तो ये जो वर्म एंटर करते हैं उसके बाद इनका पेनेट्रेशन होगा,
पेनिट्रेशन के बाद फिर ये अपनी सेलुलर एक्टिविटी करेंगे, अपने ग्रोथ के लिए बेसिक चीज़ों को अरेंज करना शुरू करेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनके अंदर चलेगी, ग्लूकोज का एक्टिवेशन होगा, इनके जो बीटा ट्यूबुलिन है उनको अरेंज करके माइक्रोट्यूबुल्स बनाएंगे, साइकिल स्टेलेटन बनाएंगे, इस तरह की बेसिक चीज़ें इनके यहाँ चलती रहेंगी ताकि वो आगे जा करके अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। ये सेलुलर एक्टिविटी पूरी होगी उसके बाद ही मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, यह मल्टीप्लीकेशन आगे जा करके इनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ग्रोथ के साथ साथ ये फर्दर मल्टीप्लाई करते चलेंगे डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन होस्ट। उसके बाद जब ग्रोथ और फर्दर मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये आगे जाकर माइग्रेशन भी कर सकते हैं, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक माइग्रेट कर सकते हैं, जीआईटी में अफेक्ट कर सकते हैं, टिश्यू में पेनेट्रेट कर सकते हैं और इनके जो लार्वा है वो आगे भी किसी दूसरे पार्ट में माइग्रेट कर सकते हैं। फाइनली आफ्टर माइग्रेशन ये आगे जाकर दूसरे टिश्यू को अफेक्ट करेंगे। तो ये उनका एक बेसिक स्टेप बाय स्टेप मेन पार्ट हो गया कैसे वो अफेक्ट करते हैं। अगर हम इन्हीं की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एंथेलमिंटिक ड्रग लेते हैं और इस कैटेगरी में आज हम बात करेंगे तो बेंजइमिडाज़ोल और मेबेंडाज़ोल की बात करते हैं, साथ में एल्बेंडाजोल को भी इंक्लूड करते हैं। तो ये जो ड्रग आप लेते हैं तो वो आगे जाकर के बीटा ट्यूब्यूल के साथ बाइंड हो जाता है। ये जो बीटा ट्यूब्यूल है वो आपके स्पेसिफिकली पैरासाइट के साथ बाइंड होगा क्योंकि इनके स्पेसिफिसिटी जो 400 टाइम मोर देन है ह्यूमन सेल के साथ, इसलिए ये स्पेसिफिक हो गया। साथ में ये क्या करेंगे, ये इनहिबिट करेंगे सिंथेसिस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल क्योंकि जो बीटा ट्यूब्यूल है वो एक बेसिक पार्ट है और इनके पॉलीमराइजेशन के बाद ही माइक्रोट्यूब्यूल बनता है जो कि सेल के साइटोस्केलेटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ हद तक आपके ग्लूकोज के अपटेक को इन पैरासाइट भी अफेक्ट करेंगे और साथ ही साथ ये आपके ग्लाइकोजन के स्टोरेज को भी डेप्रिवेट करेंगे, उनको भी इनहिबिट करेंगे और कई तरह के एंजाइमेटिक एक्टिविटी को भी अफेक्ट करेंगे। तो ये जो पूरा स्टेप है आपके बाइंड होने से लेकर के इनहिबिट करने तक ग्लूकोजन के सिंथेसिस को या इसके स्टोरेज को, तो ये पूरा स्टेप आपके इसी पॉइंट को अफेक्ट करता है और फाइनली जो पैरासाइट है उसकी डेथ हो जाती है। और इस तरीके से हमारे बेंजइमिडाज़ोल, मेबेंडाज़ोल, एल्बेंडाज़ोल ने काम किया और इसके साथ ये जो पैरासाइट है वो इस तरीके से डेथ हो जाती है।